हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सीमन के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने कुछ ऑर्डर किया था तैमू से, मतलब पहले ऑर्डर किया था, तो आज वो सामान आ गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पहले मैं एयरपोर्ट लगा दूँ कि मेरी आवाज, हाँ, कि मेरी आवाज क्लियरली आप तक आए। मैंने ये पार्सल मंगवाया है तैमू से। फर्स्ट टाइम मैंने डिलीवरी करवाई है, तो मुझे पता नहीं था कैसे चीजें होंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, सबसे पहले मैंने ये मंगवाया है लिपस्टिक कलर, तो मैं सोचती हूँ इसको पहले दिखाऊं या बाद में दिखाऊं, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। मैंने मंगाया, थोड़ा डार्क था, थोड़ा सा वो आया है दूसरे कलर का, लगा के देखे। एक्चुअली ऐसा कलर मेरे पास है, मैंने थोड़ा सा वो पिंकी शेड का मंगाया था, बट ये अदर कलर आ गया इस सबके। मेरी ऑलमोस्ट सारी लिपस्टिक यही कलर की। मैं मंगवाती कुछ और हूँ, आ कुछ हो जाता है, बट अच्छा है, टेक्सचर बहुत ज्यादा अच्छा है, क्रीमी है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। कैसे बंद होता है देखिए इसको, और कितना निकलती है। है तो काफी यार सही में। मैं मैक की लिपस्टिक ली, मैंने इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक्स लेती हूँ, तो उसमें सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी आती है, इतनी सी, और ये देखिए कितनी ज्यादा है, और ये है भी नॉर्मल प्राइस, सिर्फ 1 दिनार की है। बैलून फट गया, आशा के बैलून लगाए बाहर मैंने। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ बर्थडे की डेकोरेशन भी की है, पहले ये देख लेते हैं। यार ये बंद कैसे होगा, बंद तो नहीं हो रहा ये। हाँ हो गया, ये है लिपस्टिक। और एक मैंने ड्रेस मंगवाई आशा के लिए, पैंट मंगवाई है, तो मैंने ये पैकेज मंगवाया है आशा के लिए, पैंट मंगाई है, देखते हैं कैसी आई है। पैंट तो बहुत अच्छी है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा साइज इसका बड़ा हो सकता है। ये देखिए ऊपर से इलास्टिक है, क्योंकि आयशा अभी 8 ईयर्स की है, तो छोटे तो बच्चों को हैंडल करना मुश्किल होता है बटन, तो ये इलास्टिक है। ये देखिए बहुत ही प्यारी है, और स्टफ भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आयशा खुश हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे ही सेम पैक कर दूंगी कि वो आए और देखे, खुद ही खोले, है ना, तो बच्चे को अच्छा लगेगा। और दूसरी एक और चीज़ है, ये मैंने आयशा के लिए शूज मंगाए हैं तैमू से, जो जिसका साइज थोड़ा सा छोटा आ गया है, तो मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा। अगर एक्सचेंज होगा उसमें तो मैं एक्सचेंज कर लूँगी, नहीं तो रिटर्न करूँगी। ये देखिए नीचे यहाँ पे ना इसके टायर्स लगे होते हैं, यहाँ पे टायर्स लगे होते हैं इसमें, अभी फिक्स करने हैं, लाइटिंग भी है, टायर भी है, बट मैं इसे रिटर्न करूँगी क्योंकि एक्सचेंज करना चाहिए, क्योंकि इसका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ये दोनों शूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, शूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्वालिटी इसकी अच्छी है, टायर इसके अंदर है, नीचे लगाना, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। छोटे एक बड़े टायर वाले होते हैं स्केट शूज़, ये छोटे छोटे स्केट्स हैं। ये देखिए इसके साथ वायर भी दिए इन्होंने, चार्जेबल वायर, चार्ज करके बैटरी भी चार्ज हो जाती है इसकी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं आपको दिखाती हूँ और क्या है, और ये आयशा की स्विमिंग गॉगल्स हैं और कैप है, ये रही स्विमिंग गॉगल्स, बहुत ही प्यारी है यार, इतना नॉर्मल रेंज में, मतलब ये पता नहीं 2 दिनार की थी कुछ, मतलब 500-600 की होगी इंडिया के। और ये देखिए फिश वाली कैप, स्विमिंग कैप, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। और ये गॉगल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये तो इसकी ग्रिप भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैं इसको ना पैक कर देती हूँ कि आएगी तो वो खुद ही ओपन करेगी, उसे अच्छा लगेगा, क्योंकि होता है ना न्यू चीज़ को ओपन करे बच्चा उसको खुशी होती है। आज उसका बर्थडे है, तो मैंने बात थोड़ी सी डेकोरेशन भी की है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और आयशा की बर्थडे ड्रेस ये वाली है, ये बर्थडे ड्रेस ली है, इसमें क्या है ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये आयशा ने खुद ने ही चूज़ की थी, ये नीचे का है, मतलब ड्रेस है ये वाली, ये पूरी ऐसी है देखिए, इसमें बटरफ्लाई बना हुआ है, ये पूरी ड्रेस है, और उसके ऊपर ये नेट की ना वो है शर्ट, टी शर्ट, ये देखिए ये बहुत ही प्यारी है, देखो ये नेट की बटरफ्लाई उसके ऊपर बनी हुई है, देखिए बड़ी प्यारी प्यारी सी बटरफ्लाई है, देखो बटरफ्लाई वाली। और साइज़ मैं देख रही थी कि आयशा का ही साइज़ है, हाँ आयशा को ये वाला साइज़ आ जाएगा,
क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी होती है, अगर मैं बहुत लूज ले लेती तो ये जो चीजें है ना यहाँ से बाजू मतलब ऐसे गिरती रहती है, ड्रेस तो अच्छा नहीं है। ये साइज बिल्कुल परफेक्ट आया है, मैंने तैमू से ये बाय किया, ये 9 to 10 है, ये 9 to 10 का साइज है। तो आप लोग बेफिक्र से अगर किसी ने टैमू से मंगाना, मैंने पहली बार मंगाया, मेरा थोड़ा ये हो गया था कि आपका व्हाट्सअप नंबर और दूसरा नंबर दोनों सेम होने चाहिए, दूसरे नहीं होने चाहिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर दूसरा था और क्या कहते हैं वो फ़ोन नंबर दूसरा था, और इसलिए वो लोग काफ़ी ट्राई किया उन्होंने, उसके बाद पार्सल मेरे हस्बैंड को खुद को ही जाके लेके आना पड़ा। तो मैं इसको भी पैक कर देती हूँ, ये आएगी तो ऐसा खुद से देखेगी। ये सामान इधर रह देते हैं, और ये मेरी लिपस्टिक का मुझे देखूँ सही से, यार मेरा ना कलर वही आ जाता है घूम फिर की, ये मेरे पास ये इस कलर की कितनी पड़ी है। ये लिपस्टिक कभी लेनी हो ना तो लिपस्टिक खुद ही जाके लेनी पड़ती है, लिपस्टिक खुद ही लेनी पड़ती है, बट ठीक है यार डेली वेयर मतलब है ना बंदा लगा सकता है, अच्छी है बहुत अच्छी है। ये देखिए ये वाली, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की है। ये देखिए क्या किया है मैंने, एक बैलून अभी गिर गया है, बैलून वहाँ का एक गिर गया है, इसको मैं अभी लगा दूंगी, सेट कर दूंगी, टूट गया मतलब फट गया, ये रहा। ये मैंने थोड़ा सा मतलब बच्चों के लिए किया कि हाँ छोटे बच्चे हैं तो अच्छा लगेगा। एक ये वाली वॉल पे, एक यहाँ पे लगा दिया, दो यहाँ पे लगा दिए छोटे छोटे, मैंने कहा चलो ठीक है यार बच्चा खुश हो जाएगी यार वो हैप्पी बर्थडे वाले बैलून। और ये तीन है, इसको देख के तो जरूर चिकेगी, तो मैं उसके आने से पहले पहले ना इसके ऊपर टेप लगा के तो इसको लगा देती हूँ कि वो चिके ना मारे, क्योंकि बच्चों को बहुत शौक होता है ना कि हमें ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए। तो मैं टेप करके मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसी कौन सी टेप ली है। मैं अपना फ़ोन सेट कर लूँ यहाँ पे, तो सीज़र तो वहाँ पे है, ये वाली टेप है, ये सही आ रही ना फोटो, तो इसको यहीं पे रख लेती हूँ सामने, मैं लेके आती हूँ सीज़र। तो आशा के आने से पहले पहले उसका सिर्फ 5-10 मिनट रह गए आने के, बैलून फट गया, बैलून फटते हैं यार। आप अच्छे याद रखें जब भी बर्थडे या कुछ भी हो घर पे सेलिब्रेशन हो तो बैलून एक्स्ट्रा ज़रूर लें। मैंने कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिए बट मेरे फिर भी काफ़ी है, 100 पीसेस था तो ठीक है। मैं ये वाले बैलून को लगा देती हूँ क्योंकि ये पहले खुला हुआ था, और भी पड़े हैं बट मैं आपको दिखाऊंगी साथ में, क्योंकि ये डबल साइड टेप है, ये आपको यही वाली लेनी है। किधर गया इसका टेप वाला साइड, अरे यार टेप वाली साइड किधर गई, ये मेरे हाथ में है, मैं फोन अपना तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये थोड़े से ऐसे सजा दिए, ये कर दिया। अभी आयशा आती होगी, मेरी फोटो बहुत धुंधली सी होगी ना, हाँ हो गया सही, तो अभी आयशा आती होगी तो मैं आज उसे लेने नहीं गई हूँ बस से। मैं एक मिनट कैमरा साफ करूँ, अपना कैमरा साफ कर दूँ, पता नहीं क्यों फोटो धुंधली सी आ रही है यार, अभी हो जाएगी सही। तो थोड़ा सा रेडी वेडी हो जाते हैं, मैं फिर से बनाती हूँ, रुक मुझे बंद करके कैमरा क्लीन करके बनाती हूँ। तो डेकोरेशन तो आप लोगों ने देख ही ली है मेरी, जितनी मैंने की थोड़ी बहुत ही कर ली है, और ये जो सामान है ये चीज़ें भी आ गई हैं, ऐसे पार्सल आया था थोड़ा सा सामान, ये चीज़ें हैं तो ये बस अब इसको इकट्ठी कर लेते हैं। शूज़ मैं रिटर्न करूँगी, शूज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं बट इसे मैं रिटर्न करूँगी। तो अभी आयशा आ जाएगी और बात करते हैं आज के बर्थडे की, आयशा का बर्थडे सेलिब्रेशन है, बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे मनाएंगे। और मनीषा रानी की बात करें, मनीषा रानी ने खुद ने क्या हुआ एजाज़ खान ने मनीषा रानी को, जैसे आपको पता है कि उन्होंने ट्रोल किया था, उन्होंने कहा कि मेरे पास काम मांगने आई थी, मेरे पास पैसे मांगने आई थी, मतलब वो चीज़ बेइज्जती की है, अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो उसकी बेइज्जती नहीं कीजिए। और मनीषा रानी ने तो नहीं बट उनके जो विशाल फ्रेंड है उन्होंने बेखूबी बहुत ही अच्छा सा जवाब दिया है एजाज खान को, उन्होंने कहा है कि आप अपनी बातों से हट जाएं, आप ऐसी हरकतें मत करें, गुंडों वाली हरकतें नहीं करें, अगर आप ऐसे करेंगे तो हम भी चुप नहीं रहेंगे, हम आपको बता देंगे कि क्या होता है, ऐसी चीज़ें बुरी होती हैं, अगर किसी की हेल्प करो तो उसकी इंसल्ट करना नहीं बनता। तो आप भी मनीषा के फ़ैन हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और बर्थडे के लिए आयशा को विश भी कीजिए, आयशा बहुत खुश होगी क्योंकि छोटी है अभी 8 ईयर्स की हुई है, बहुत खुश होगी आपके मैसेज देख के, मैं दिखाऊंगी उसको। और कल भी बोल रही थी वीडियो में कि मुझे मैसेज जरूर करना, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। तो बने रहिए सीमन के साथ, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और बर्थडे जैसे जैसे सेलिब्रेट में स्टार्ट हो जाएगा सेलिब्रेशन तो मैं आपको दिखाऊंगी जरूर कि क्या क्या है, वीडियो पूरी बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग सीमन।
तो यहाँ भी आपको बताना ये बाकी रह गया था, आयशा ने लिए है स्केट शूज़। जो शूज़ के एक तो स्केट्स होते हैं, एक ये होते हैं जिनके नीचे नीचे टायर लगे होते हैं, सिर्फ छोटे छोटे वाले होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टायर, तो वो वाले आयशा ने शूज़ लिए हैं। मुझे नहीं बिलीव था कि इतने ही प्यारे आएंगे। जैसे ये शूज़ दिख रहे थे टैमू में, मैंने ये टैमू से बाय किए हैं, आपने देख लिया है सारा, है ना, मैं आपको दिखा रही थी। उसके बाद जब आयशा ने ये शूज़ पहने, इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, उसे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है शूज़ की। और ये गिरने लगी थी क्योंकि उसने जो स्केच शूज़ ही यूज़ किए हैं पहले, वही ट्राई करती है, वही पहनती है हमेशा, तो ये वाले जस्ट न्यू थे, तो उसका जो टायर है वो थोड़ा स्लिपरी है। तो लाइटिंग इतनी प्यारी थी, अगर आप लोग टैमू से ऑर्डर करना चाहते हो तो मैं यही कह रही हूँ, आप बेफिक्र होकर ऑर्डर करें, आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सारा ही सामान बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया, आयशा को तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। और ये आयशा की जो इसके साथ, हाँ, चार्जेबल भी है, ये लाइटिंग है जो ये चार्जेबल है, आप इसको चार्ज कर सकते हो, ये तो सबसे अच्छी बात है, ये ख़राब भी नहीं होंगे, बहुत अच्छे शूज़, मज़ा आ गया देख के। और ये देखिए इसकी लाइटिंग कुछ ऐसे है, यहाँ पे एक बटन लगा है, तो देखिए कितनी लाइटिंग आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि जो जो वीडियो देख रहा है सबके बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बट माओ को ये टेंशन होती है, पेरेंट्स को ये होती है, यार ऐसी लाइटिंग वाले बाय करेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो ये देखिए नीचे टायर भी लगे हुए हैं, ये लाइटिंग वाले हैं बट ये ख़राब होने वाले नहीं है, ये चार्जेबल है। क्योंकि पहले मैंने आयशा के लिए स्केचेस के लिए थे, स्केचेस के अंदर लाइटिंग थी जो वो बहुत जल्दी ख़राब हो गई थी। ये मैंने आयशा के लिए पैंट भी ली है, तो आप बेफिक्र हो के ऐसे शूज़ ले सकते हैं। आयशा की खुशी देखो, आयशा का बर्थडे है और तेरा हैप्पी बर्थडे सॉन्ग आ रही है साथ में, और बहुत ही खुश नज़र आ रही है। और बेफिक्र हो के आप ले सकते हो। यहाँ पे आयशा का केक आ गया है, बहुत ही अच्छा केक है, मैंने अभी ओपन नहीं किया इसलिए मैंने फ़ोटो ओपन से करके खींची नहीं, तो अभी बर्थडे से स्टार्ट होगा तो फिर क्लिक करेंगे।